बाइबल की कहानियों की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इन कार्यक्रमों में हम नए नियम से आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। कल हम आपने मत्ती की अंजील के अनुसार यीशु की परीक्षा के बारे में बताया और आज हम उसका दूसरा दृष्टिकोण जो लूका की अंजील 4:1-13 है उसके बारे में बताएंगे। मैं आपको पहले परमेश्वर का वचन पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा, यर्दन नदी का नाम है, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, आत्मा की अगुवाई से कहना चाहिए, जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, 40 दिन का उपवास रखा और जब वे दिन पूरे हो गए तो उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर से कह कि वह रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। तब शैतान उसे ले गया और उसने पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उससे कहा, ये सब अधिकार और उसका वैभव मैं तुझे दे दूँगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे तू चाहता उसी को दे देता, इसलिए तू मुझे प्रणाम कर और सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर ही को प्रणाम करना, केवल उसी की उपासना करना और किसी की नहीं। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कारा ऊपर कंगूरे पर ठहरा दिया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसका उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तब शैतान जब उसकी परीक्षा ले चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। आप देखिए, यीशु मसीह को परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की स्थिरता बियाबान में, जंगल में, असंभव परिस्थितियों में मिली, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अपने जीवन की आवश्यकताओं के गुलाम हो जाते हैं और वो परमेश्वर के सिद्धांतों से दूर चले जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य थे, उन्होंने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और लेकिन हमारे देश में ये कहा जाता है कि जीवन की आवश्यकताओं की बस तीन ही चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या ये तो ज़रूरतें हैं, लेकिन कई बार हम अपनी जो वांट हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो अनुचित हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे विवेक के हिसाब से गलत हैं। अनुचित रीति से पैसा कमाना, विषम परिस्थितियों में हमारे जीवन में बीमारी, भय, चिंता लाता है और हमें पकड़े जाने का डर लगा रहता है। शैतान ने तीन एरियाज़ में हमेशा मनुष्य पर अटैक किया। एक तो रोटी, पहली चीज़ तो जब मनुष्य को भूख लगती है, जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सुरक्षा की बात शैतान ने की कि अगर तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर तेरे को सुरक्षा करेगा। और तीसरा ऐश्वर्य, तो अंग्रेज़ी में कहेंगे लाइवलीहुड, सेफ्टी एंड प्लेजर। शैतान मुझे और आपको डरा कर, फुसला कर, मैनिपुलेट करके हमारा नाश करना चाहता है। शैतान का काम है मारना, चुराना और नाश करना, लेकिन यीशु का काम है बनाना। आप अगर लूका की 14:18-19 से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें ये लिखा है, फिर वह नाजरत में गया जहाँ पाला पोसा गया और उसी रीति के अनुसार शब्बत के दिन आराधनालय में जाकर परमेश्वर के वचन से पढ़ने लगा। उसके सामने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक खुली थी और उसने पुस्तक खोलकर जिस जगह पर निकाला वहाँ ये लिखा था, प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है
उसने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों का छुटकारा करूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न होने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर का जो विधान है वो है न्याय, चंगाई, मानसिक शांति, परोपकार, हृदय के अंदर आपका संतुलन। ये तब आ सकता है जब आप विश्वास की सीढ़ी पर चढ़कर जीवन की हर आवश्यकता आपको उपलब्ध हो जाएगी, वो छोटी चीज़ हो जाएगी। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति इतना बढ़ेगा कि आप इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करेंगे, अपने आप आपके पीछे हो जाएंगी। सबसे पहली जो आवश्यकता मनुष्य को है, अपने पापों से क्षमा। पापों से क्षमा मांगेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, परमेश्वर की जो आत्मा है आपके जीवन में आ जाएगी, उसका आगमन हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि ऊँट जो है वो सुई के छेद में से तो निकल सकता है, लेकिन पापी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको तो एक बंदर की कहानी तो आप सुनी ही होगी कि जो बंदर एक घर में घुस गया और उस घर में एक घड़े के अंदर छोले थे, चने थे, और उसने उसमें हाथ डाला। जब उसने हाथ डाला तो उसका हाथ में चने आ गए, तो हाथ मोटा हो गया। तो जब भी वो बाहर निकाले हाथ तो निकले नहीं, तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे या तो वो चने छोड़ दे या वो हाथ छोड़ दे। क्या हुआ कि वो इसी संघर्ष में निरंतर द्वंद्व में लगा रहा, अचानक मालिक आ गया और उसने बंदर को पकड़ लिया। कई बार जीवन की जो परिस्थितियां हैं लगातार जो हम भौतिकवाद के पीछे भागते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधारभूत आवश्यकताओं को आप ना अपने जीवन में उपलब्धि कराएं, लेकिन उसके वजह से हम जो बहुतायत का जीवन है, जो शांति का जीवन है, जो पर मृत्यु के उपरांत अनंत जीवन है जिसका बाइबल बखान करती है, से वंचित रह जाते हैं। बहुत से लोग अपने विवेक की आवाज़ पर नहीं चलते, वो कभी सो उनको दुखी नहीं होता कि गलत चीज़ उनके दिमाग में इतनी स्ट्रांग होल्ड बनी है गलत चीज़ करने की। लेकिन बाइबल ये बताती है कि हमें अपने विवेक की आवाज़ सुनना लग, जो गलत और सही का अंतर समझना चाहिए और अपने व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर अपना उत्तरदायित्व संभालना चाहिए। ये हम सब के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। और क्योंकि इस आप अपने जीवन के इतिहास को परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर बदल सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि किस दिन आपका जब जीवन जाए आप सुरक्षा से परमेश्वर के समीप जाएं। अगर आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप अपने संबंध उसके साथ बनाएंगे और धीरे धीरे घनिष्ठता की ओर बढ़ेंगे, तो हम उत्तराधिकारी होंगे अनंत जीवन के। और जब हमारा देहांत हो जाएगा तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर का जो पुत्र है वो हमारे लिए गवाही देगा कि ये मेरे चुने हुए, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इसको अनंत जीवन दिया जाए। जीवन के इस बहुमूल्य वरदान का हमें नाश नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के बलिदान के महत्व को आप समझिए, यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को आप तुच्छ मत जानिए। उसे जीवन की हर कार्य प्रणाली में अपने साथ लीजिए। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया कि उसका नाम इमैनुअल है, उसका नाम है परमेश्वर मेरे संग। बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को हमें बताता नहीं है, एक सीक्रेट रहता है। एक रेवलेशन तब आता है जब हम उसको खोजते हैं। बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर की प्रणाली है कि राजा का काम है वो उसके सीक्रेट को ढूंढे, लेकिन वो सीक्रेट रखता है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको जीवन में उन्नति देना चाहता है, हमें और आपको जीवन में वो चीज़ें देना चाहता है जिसके द्वारा हमारा ये जीवन तो बहुतायत का हो ही, इस जीवन में शांति हो, सुख हो, लेकिन मृत्यु उपरांत भी अनंत जीवन हो। इसीलिए हमने आपको इस बारे में बताया है कि यीशु मसीह की जो परीक्षा थी वो हमारे जीवन में भी परीक्षा हो सकती है, हम अपने जीवन की परीक्षा में फेल ना हो। कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत आसानी से धैर्य छोड़ देते हैं। बाइबल में कहानियाँ हैं बहुत सारे लोगों को कि बहुत परीक्षा हुई लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर उनको निकाला। बाइबल में डैनियल नाम के एक भविष्यवक्ता की कहानी, उसको शेर की मांद में डाल दिया गया लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं की, उसने परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ
के साथ बिल्कुल मिलावट नहीं की, उसने जो परमेश्वर का वचन कहता उसे माना, और परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा और उसे शेरों की मांद से निकाला। उसके तीन दोस्त थे, उन्होंने भी परमेश्वर के सिद्धांतों का तिरस्कार नहीं किया और उन सिद्धांतों को वैसे का वैसा ही माना, और परमेश्वर ने उन्हें जलती हुई आग से बचाया। मेरे दोस्तों, क्या आपके जीवन में संकट, अपंगता, दुख, तकलीफ, निराशा, सूनापन, अकेलापन, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको तोड़ दिया है, जिसने आपके जीवन में अशांति लाया, जिस कलह लाया, आप समझ नहीं आता ये सब होते हैं बातें क्यों हो गया? आप सुख से वंचित हैं, आपके पास जीवन का हर भौतिक सुख तो है लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है। इन सब बातों का विकल्प प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन सूली पर जाकर दिया। वो विकल्प ये है कि आप उस पर विश्वास करें। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर मुझे और आपको हर विनाश से बचाना चाहता है। वो मुझे और आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है कि हम उसके साथ इस जीवन यात्रा में सफल हों। आइए हम सब के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम अपने सब दर्शक गणों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि उनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, संकट, परेशानी है, जो भी कलह है, जो भी अशांति है, जो भी असहाय परिस्थिति है, जो भी असंभव परिस्थिति है, जो भी ऐसी चीज़ है जो वो समझ नहीं पाते, वो जानते नहीं कहाँ उसका विकल्प है, प्रभु तो उस एरिया में, उस अंधेरे में उनके हृदय में प्रकाश डाल, उनके मस्तिष्क में ज्ञान दे प्रभु, उन्हें समझ दे, उनकी उस तर्क की शक्ति को एक से आगे बढ़कर प्रभु तो उनके जीवन में हस्तक्षेप कर, जिससे वो तुझे व्यक्तिगत रूप से जानना सीखें, तेरे साथ संबंध बनाए, अपने पापों की क्षमा मांग कर तेरे साथ आगे बढ़ें और प्रभु उनका जीवन सफल हो। ये मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आज के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।